हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बैलेंस शीट के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। जो बिगिनर्स हैं और एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं या अकाउंटिंग से संबंधित हैं, उनको जो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार जब वो बैलेंस शीट बनाने के लिए बैठते हैं तो कुछ चीज़ें उनसे छूट भी जाती हैं। तो मैंने प्रयास किया एक चेकलिस्ट बनाने का, और चेकलिस्ट के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि बैलेंस शीट फाइनल करते समय हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है और कैसे फाइनल करना है। फाइनलाइजेशन में करते समय कोई भी चीज़ हमारी छूटनी नहीं चाहिए, तो अगर हम चेकलिस्ट बना करके काम करेंगे तो गलती की संभावना कम रहती है। इसी के साथ एक आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। इसके संबंध में अगर आप प्रैक्टिकल के लिए कमेंट करेंगे तो मैं प्रैक्टिकल एंट्री के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे ये एंट्री होंगी, कैसे आप चेक कर पाएंगे उसको। मैं करके प्रैक्टिकली आपको सॉफ्टवेयर पे भी दिखा दूंगा, तो जैसा कि आपको लगे तो आप इसके संबंध में कमेंट ज़रूर करिएगा। फिलहाल हम लोग इसकी चेकलिस्ट देखते हैं कि कैसे हमें बैलेंस शीट फाइनल करनी है। जो लोग बिगिनर्स हैं या जिन्होंने अकाउंटिंग का काम शुरू किया है, उनके लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं। गिवन बिलो इज़ द चेकलिस्ट फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट। होप दिस विल हेल्प यू फॉर श्योर इन फाइनलाइजिंग द बैलेंस शीट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। मस्ट चेक द फॉलोइंग थिंग्स बिफोर फाइनलाइजिंग। तो मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है, जिसको आप अगर वन बाई वन कॉपी करेंगे, कोशिश करेंगे देखने की, समझने की, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। पहले देखते हैं कि नो एंट्री ऑन नेशनल हॉलीडे। बहुत बार हम लोगों से ये गलती होती है कि हम लोग नेशनल हॉलीडे में भी एंट्री करते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। कन्फर्मेशन ऑफ सिक्योर्ड लोन्स। जो भी सिक्योर्ड लोन्स हैं उनका कन्फर्मेशन ज़रूर होना चाहिए हमारे पास, उनका कन्फर्मेशन ज़रूर ले लें। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं कन्फर्मेशन ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स। जो भी हमारे अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, जिन जिन से भी हमने अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है, उनका हमें साल के अंत में 31 मार्च के बाद हमें उनका कन्फर्मेशन 31 मार्च में ज़रूर ले लेना चाहिए। उसी के हिसाब से, क्योंकि बैलेंस शीट जब हम फाइनल करेंगे तो हमें अगर उसकी हमारे पास कन्फर्मेशन नहीं तो हम कैसे जानेंगे हमारा बैलेंस क्या होना चाहिए। तो कन्फर्मेशन इसके लिए बहुत ज़रूरी है। कन्फर्मेशन ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स। जितने भी हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं उनका भी कन्फर्मेशन हमें ले लेना चाहिए, और ख़ास तौर से उन लोगों का, स्पेशली दोज विद डेबिट बैलेंस। ख़ास तौर से उन लोगों का ज़रूरी कन्फर्मेशन होना चाहिए जिनका डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर्स में उसका बैलेंस क्रेडिट में होना चाहिए, और अगर उसका बैलेंस डेबिट में आ रहा है तो उसको ज़रूर अनिवार्य रूप से कन्फर्म कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं कन्फर्मेशन ऑफ सन्ड्री डेबिटर्स स्पेशली दोज विद क्रेडिट बैलेंस। यानी कन्फर्मेशन सन्ड्री डेबिटर्स का भी हमें लेना है, और ख़ास तौर से उन लोगों का ज़रूर ध्यान रखना है जिनका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। अगर सन्ड्री डेबिटर्स में है और उसका बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है तो हमें उसको कन्फर्म ज़रूर से ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका बैलेंस क्रेडिट में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं बोनस शीट टू बी टैलीड विद बोनस पेड इन कैश एंड बाई चेक। तो जो बोनस शीट है उसको भी हम टैली कर लें, कैश से है, चेक से है, जो भी है। नेक्स्ट आता है चेक कैश फॉर नेगेटिव बैलेंस। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम लोग कंप्यूटर पे अपने अकाउंट्स बनाते हैं तो कंप्यूटर पे बनाते समय हम लोग इन चीज़ों का ध्यान कम देते हैं, जबकि हमें ये बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारा कैश बैलेंस कहीं पर भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप उसको कहाँ से पूरा करेंगे, कैश बैलेंस आप कैसे क्लियर करेंगे, तो नेगेटिव बैलेंस नहीं होना चाहिए। 8 नंबर पे है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर 12 मंथ्स इंटर्ड और नॉट। हम ये ज़रूर चेक कर लें कि इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हमने पूरे 12 महीने के इंटर्ड किए हैं कि नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो लेट जमा करता है या दो दो तीन तीन महीनों का एक साथ जमा करता है, तो आप कैसे जानेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये ज़रूर चेक करें कि इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस जो आपने डाले हैं वो पूरे 12 महीने के हैं या नहीं हैं। 9 सैलरी शीट टैली विद सैलरी पेड इन कैश प्लस चेक। सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज हु हैव नॉट साइन सैलरी शीट
शुड रिफ्लेक्ट एज पेबल टैली विद सैलरी समरी फॉर होल ईयर। तो पूरे साल की हमें सैलरी शीट चेक कर लेनी चाहिए, सभी इम्प्लॉयज़ के हमने सिग्नेचर ले लिए हैं या नहीं लिए हैं उसको भी देख लेना चाहिए कि कहीं वो हमारा पेबिल में तो खड़ा नहीं है। नेक्स्ट नंबर आता है कॉपी ऑफ ऑल फुल एंड फाइनल अकाउंट पेपर्स रिक्वायर्ड। तो जो जो पेपर हमें फुल एंड फाइनल अकाउंट्स के लिए ज़रूरी हैं वो सारे के सारे कॉपी होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंश्योरेंस एक्सपेंसेस प्रीपेड एंट्रीज टू बी डन कॉपी ऑफ ऑल कवर नोट्स टू बी कैप्ट इन बैलेंस शीट फाइल। बैलेंस शीट की एक हमें फाइल बनानी चाहिए जिसमें इंश्योरेंस वगैरह से संबंधित सारे पेपर्स हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें समय समय पर आपको ज़रूरत पड़ती हैं। तो जो चीज़ें बैलेंस शीट में हम दिखा रहे हैं उनके पेपर्स भी हमारे पास क्लियर कट फाइल में लगे होने चाहिए। नेक्स्ट है अदर प्रीपेड एक्सपेंसेस एंट्रीज लाइक लाइसेंस फीस AMC ETC। तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे हैं उनकी एंट्री हमें चेक करने की ज़रूरत है, उनको हमने प्रॉपर्ली पे किया है कि नहीं किया है, और उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स हमारी फाइल में ज़रूर होने चाहिए। नेक्स्ट है टैली ओपनिंग बैलेंस विद लास्ट ईयर बैलेंस शीट। ये काम तो कायदे में हमें सबसे पहले ही कर लेना चाहिए कि जो भी हमारी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है उससे हम ओपनिंग बैलेंस अपनी जो न्यू फर्म हमारी 1 अप्रैल से शुरू हो रही है उसमें टैली होने चाहिए। तो बैलेंस शीट से हम सारे जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है उससे जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारी इस साल की जो हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं उसके ओपनिंग बैलेंस टैली होने चाहिए, उसको सबसे पहले हम टैली करें। नेक्स्ट नंबर आता है रिकनसाइल सेल एंड परचेज विद GST रिटर्न्स। GST रिटर्न से हमें अपनी सेल और परचेज को रिकनसाइल कर लेना चाहिए, उससे रिकनसिलेशन ज़रूर बनाएं क्योंकि डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। अगर डिफरेंस हैं तो उनका प्रॉपर रीज़न होना चाहिए और उनको कब हमने ठीक किया है कैसे ठीक किया है वो डिटेल आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर है लाइसेंस फी रिसीव्ड और कवरिंग लेटर्स ऑफ लाइसेंस कॉपी। तो जो लाइसेंस फीस वगैरह हम जमा करते हैं वो कवरिंग लेटर के साथ हमारी फाइल में होने चाहिए और उसकी एंट्री भी प्रॉपर तरीके से हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनमें भूल बहुत होती है। लाइसेंस फी आपने पे की उसकी एंट्री पता लगा आपने नहीं की है, तो उन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट है टेलीफोन एक्सपेंसेस बिल ऑफ 12 मंथ्स इंटर्ड और नॉट। तो ये भी देखना है कि जैसे कि बिजली के बिल के लिए मैंने बताया था वैसे टेलीफोन के भी जो बिल हैं वो पूरे 12 महीने की एंट्री हुई है या नहीं हुई है वो हमें चेक करने की ज़रूरत है। नरेशन सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। तो जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैंने बताया था वही सेम टेलीफोन एक्सपेंसेस के लिए भी है। नेक्स्ट रहता है डेप्रिसिएशन एंट्रीज। डेप्रिसिएशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसका बैलेंस शीट पर बहुत प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए हमें डेप्रिसिएशन की एंट्रीज भी प्रॉपर कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है टैली TDS सर्टिफिकेट विद रिलेवेंट लेजर्स। अब जो TDS सर्टिफिकेट हमारे पास आते हैं उन्हें हमें रिलेवेंट लेजर जिस भी लेजर से संबंधित हैं उससे ज़रूर टैली कर लेना चाहिए। ये नहीं कि TDS से सर्टिफिकेट आए हमने उसकी एंट्री कर ली काम ख़त्म, नहीं, उसको हम उसके प्रॉपर लेजर से टैली ज़रूर करें। नेक्स्ट है टैली TDS रिटर्न विद रिलेवेंट लेजर्स। रिकनसाइल ऑल बैंक अकाउंट्स, हमें सारे के सारे बैंक अकाउंट्स का रिकनसिलेशन बनाना चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जो मेन अकाउंट है CC लिमिट है OD लिमिट है उस अकाउंट का रिकनसिलेशन बना लिया, जो छोटे अकाउंट्स हैं जिसमें कम ट्रांजेक्शन हुए हैं कई बार उनको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, जितने भी बैंक अकाउंट है सभी के रिकनसिलेशन आपको अनिवार्य रूप से बनाने चाहिए। नेक्स्ट है GP रेट कंपेरिजन विद लास्ट ईयर। जब हम बैलेंस शीट फाइनल करने जाएं तो लास्ट ईयर जो हमारा GP रेट था उसको भी ध्यान में रखें, लास्ट ईयर का भी GP रेट देखें। नेक्स्ट है ऑडिट फी टू बी इंटर्ड। ऑडिट फीस की भी एंट्री हमें कर लेनी चाहिए क्योंकि उसकी भी एंट्री आवश्यक है। नेक्स्ट है चेक कैश एक्सपेंसेस वाउचर। जितने भी हमारे कैश से संबंधित वाउचर्स हैं उनको ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि कैश वाउचर किसको हमने पेमेंट किया है किसको दिया है किससे लिया है उनके प्रॉपर सिग्नेचर भी होने चाहिए वाउचर्स में, तो उसके वाउचर्स मेंटेन होने चाहिए, बिना वाउचर के हमारा कोई भी कैश एक्सपेंसेस ना हो।
नेक्स्ट है चेक ऑल डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स। बुक्स फाइनल करने के पहले हमें सभी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का अवश्य मिलान कर लेना चाहिए, क्योंकि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट समय पर ना आकर के कई बार काफ़ी लेट आते हैं, बाद में आते हैं। हम 31 मार्च का फाइनल कर रहे हैं, अप्रैल में आ रहे हैं, मई में आ रहे हैं, ऐसा भी हो जाता है, यह सभी इकट्ठे आ जाते हैं। तो ये गलती ना होने पाए आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट अवश्य रूप से चेक करना चाहिए। नेक्स्ट है चेक ऑल कैश रिसीप्ट्स। जितनी भी कैश रिसीप्ट्स हैं उनकी एंट्री जरूर चेक करें। चेक ऑल डिस्काउंट टू कस्टमर्स। कस्टमर्स को जो भी हमने डिस्काउंट्स दिए हैं तो उनकी सभी एंट्री हमारी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, उनके लेजर में ज़रूर आना चाहिए। इसलिए हमें उनके लेजर मिला करके देख लेना चाहिए कि कहीं पर भी कोई जो हमने डिस्काउंट्स दिए हैं उनकी एंट्री ना छूट पाए। नेक्स्ट है ऑल हेड्स इन प्रीवियस ईयर प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग बैलेंस शीट शुड बी इन करंट ईयर बैलेंस शीट एंड कंपेरिजन ऑफ अमाउंट टू बी डन। हमें पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट को एक बार फिर से देखना चाहिए कि उसमें जो जो हेड हमारे थे वो सारे हेड हमारे इस साल में हैं या नहीं हैं, कोई हेड छूट तो नहीं रहा है। जो भी हेड इस साल में ज़रूरी हैं वो ज़रूर होने चाहिए, कोई भी हेड ऐसा ना हो कि जो लास्ट ईयर में था और इस साल भी आना चाहिए था और वो हमारा छूट जाए। तो ना छूटे कोई भी हेड, इसलिए हमें पिछले साल की देखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि पिछले साल में जो हेड हमने बनाया था वो इस साल में ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है। हमें केवल चेक करने की ज़रूरत है कि कोई हेड हमसे मिस तो नहीं हो रहा है, इसलिए हमें पिछले साल की बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट का एक बार मुआयना ज़रूर करना चाहिए और उससे कंपेरिजन करके एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। नेक्स्ट है चालांस ऑफ ऑल गवर्नमेंट ड्यूज टू बी इंक्लोज विद ITR, GST, ESI, EPF, TDS, ETC। जो हम लोगों ने चालान जमा किए होंगे, जो भी टैक्स हमने जमा किया है, उन सभी के चालान ज़रूर हमें सुरक्षित रखने चाहिए, एक फाइल बना करके रखना चाहिए और उसको जब बैलेंस शीट फाइनल करें तो उनके लेजर से उनको ज़रूर से ज़रूर टैली कर लें, क्योंकि ये चालान्स की ज़रूरत कई बार हमें पड़ती है। तो उसकी फाइल हम पूरी मेंटेन रखें और उसकी प्रॉपर एंट्री भी ज़रूर चेक कर लें। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस पेएबल एंट्रीज़। कई बार गलती ये हो जाती है कि जो हमें पेएबल एंट्रीज़ की एंट्री करनी है वो नहीं हो पाती, जैसे कि टेलीफोन है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, हाउस टैक्स है, इस टाइप से जो चीज़ें हैं उनकी एंट्री कई बार छूट जाती है। क्यों? क्योंकि जो मार्च में हमें पेमेंट करना था वो हम अप्रैल में करते हैं, मई में करते हैं, तो हमें उसकी पेएबल एंट्री ज़रूर करनी चाहिए। सैलरी में भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सैलरी में भी कई बार मार्च की सैलरी आप अप्रैल में पे कर रहे हैं तो वो उसकी एंट्री ज़रूर से ज़रूर वहाँ पर आ जाए, पेबल में ज़रूर एंट्री उसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र प्रीवियस ईयर प्री पेड टू रेलेवेंट एक्सपेंसेस हेड। एक यहाँ पर भी कई बार प्रॉब्लम्स आती है कि लास्ट ईयर में जो आपने पेबल खड़ा किया था उसका इस साल में आपने पेमेंट किया, तो जब आपने पेमेंट किया तो नया हेड ना बन जाए, उसी हेड में हमको उसका पेमेंट करना चाहिए। तो ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो लास्ट ईयर के हेड हैं हमारे, वो हेड चाहे प्रीपेड हो, पोस्ट पेड हो, जो भी हैं, उनका प्रॉपर हेड में ही एंट्री होनी चाहिए। नेक्स्ट है चेक पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर एक्सपेंसेस पेबल। को मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि जो भी प्रीवियस ईयर के हमने पेबल एक्सपेंसेस खड़े किए हैं उनकी एंट्री हमें उसी हेड में प्रॉपर तरीके से करने की ज़रूरत। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें, और अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो उसे संबंधित कमेंट भी करें जिससे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर सकूं। धन्यवाद।